राजस्थान में विपक्ष रीट को बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। वो बड़ा मुद्दा होना चाहिए क्योंकि अगर पेपर लीक होता है, क्योंकि जितना गैंग बन चुकी है हर राज्य के अंदर, बिहार में वाला गैंग, यूपी में वाला गैंग, मध्य प्रदेश में व्यापम था, आप देख रहे हो पूरे देश को हिला के रख दिया, कई राज्यों में गैंग बन चुकी है। और वो अलग बात है गैंगे क्यों बन रही है, वही देश में हालात जो है बेरोजगारी का है, नौकरी के लिए तरस रहे लोग, और इसमें फिर करप्शन हो रहा है बहुत भयंकर। पर राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से बनक लगते ही जो एक्शन लिया, एसओजी को जिम्मेवारी सौंपी, उस एसओजी ने मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय के अंदर वो कर दिखाया जिससे जिसके कुछ किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये तो एक एसओजी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। कल गुलाब सिंह कटारिया जी जो विपक्ष नेता है, उन्होंने भी एसओजी की जांच को वेलकम किया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हमने भी एक्शन किए हैं, चाहे वो क्रिमिनल नेगलिजेंस थी, आपराधिक लापरवाही भी बड़ा जुल्म होता है। हमने को बर्खास्त किया, सस्पेंड किया, धीरे धीरे जाल आगे बढ़ेगी और जैसे ही जो कंफर्म होगा कि ये बिल्कुल ही इनके कारण सब कुछ हुआ है, कुछ लोगों के नाम आए भी हैं, पूछताछ भी हुई है, उनको बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट जज को लेकर कमेटी बनाई गई है, भविष्य में ऐसे नौबत नहीं आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। वो हमने कर दिया और अगली विधानसभा में बिल लेके आ रहे हैं जिससे कि उसमें ऐसे प्रावधान करें कि किसी की हिम्मत नहीं हो इस प्रकार की हरकतें करने की। तो सरकार इसको बहुत सीरियस ले रही है, क्योंकि जहाँ 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हो, तो आप सोच सकते हो कि 25 लाख बच्चों में से 15-16 लाख बच्चे जो थे लेवल 1 भी लेवल 2 भी एग्जाम दिए, उनमें क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं राजनीति में जिनको कुछ समझ ही नहीं है राजनीति की, बड़े बड़े नेता बन गए बीजेपी के अंदर, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, मुझे तो हंसी आती है। कोई केंद्रीय मंत्री बना बैठा है, कोई राज्य में यहाँ पर बड़े पदों में बैठे हुए हैं, इनको पूछो यार थोड़ा बहुत तो कम से कम चिंतन करो, मनन करो, जानकारी पहले प्राप्त करो, फिर बोलना शुरू करो। बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता उनका, लोग कन्फ्यूज होते हैं, उल्टा डिमोरलाइज होते हैं हमारे बच्चे। जो आज बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या कोई है महंगाई की तरह, तो वो है बेरोजगारी समस्या, मेरा मानना है। उन बेरोजगारों को ये ऐसा हालात बनाना चाहते हैं जिससे कि आगे आपके जो है भर्ती रुक जाए इसी बहाने, और भर्ती बहुत लंबे समय तो हो ही नहीं, पहले भी देख रहे हो आप लोग 2 साल 3 साल 4 साल भर्ती देरी से हो रही है राजस्थान के अंदर आरपीएससी के भी। हमने आके उनको ठीक करने का प्रयास किया। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी के राज में कई बार पेपर आउट भी हुए, कांग्रेस आंदोलन भी किए, उन्होंने क्या कर लिया, हमने तो गंभीरता से लिया है, जांच शुरू करी और पकड़े भी गए लोग। तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह गंभीरता से इस केस को ले रही है। मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आलोचना करना उनका अधिकार है, परंतु ये लाखों बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। इसमें हम ऐसे कोई सुझाव दें कि सरकार को ये काम और करना चाहिए जिससे कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए, तो मुझे समझ में आता, मैं वेलकम करूंगा उनके सुझावों को। उसकी बजाय खाली आप आलोचना करते जाओ, ऐसा माहौल बना दो, कोई सीबीआई की बात कर रहा है, कोई पुनः परीक्षा कराने की बात कर रहा है, तो बड़ा आसान काम है, 2 मिनट लगता है उसके अंदर फैसले करने में। उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, ये एग्जाम कब आगे खिसक जाएंगे, कब वापस शुरू होंगे, और बाकी बढ़ते हैं वो भी रुक जाएगी। तो एक तरफ हमने 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे दी है, 90,000 के आसपास नौकरी चल रही है, क्या उन नौकरी रोक दें हम लोग, ये कुछ सोच नहीं पा रहा और आलोचना किए जा रहे हैं। चलो साहब, बीती जरूरी की बरसात भी बड़ा कदम माना जा रहा है।
आगे और भी उच्च अधिकारियों की बर्खास्त की हो सकती है। देखिए बात, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आपराधिक लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण होता है। हमने ये प्रयास किया है कि जिसने जिसकी हर गलती कीमत मांगती, मैंने बहुत पहले कहा था, 20 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे इस सेंटेंस को इंडिया टुडे ने कोट भी किया था। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जिंदगी में हर गलती कीमत मांगती है, हर क्षेत्र में, और इसलिए जिसने गलती की उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।